हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में हो गए, परिवार का ख्याल भी रखते हो गए। तो गुनगुन मैडम के क्या रूप नज़र आ रहे हैं, वाह भाई वाह। चाय शाय दी जा रही है और ऊपर से मम्मी जी पैर दबा देती हूँ, पर पैर में हाथ रखते ही रुक गई। अरे पैर दबा के तो दिखाती है, हम भी थोड़ा देखते कि हाँ भाई, जब पहले तो कुछ नहीं की, अभी फ़िलहाल पैर तो दबा रही है, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है देख के, है कि नहीं फ्रेंड्स, सही कहा कि नहीं। तो यहाँ पर राधिका तो चली गई अपनी मम्मी के घर, रास्ता साफ हो गया है गुनगुन का, क्योंकि हरी झंडी मिल गई है समर की मम्मी से, आओ बेटा रहो यहाँ पे, वो घर भाड़े में दे देंगे और क्या, हर तरफ से पैसा बटोरो। और दूसरी बात है, समर की मम्मी तो यहाँ कोर्ट कचहरी तक कही है कि कोर्ट कचहरी में अगर माँ बेटी हमें ले जाएगी तो ठीक है, सब पैसे का खेल है। हाँ भाई ज़मींदारनी, जितना तो आपका ज़मीन नहीं है उतना तो आपको घर मिल गया है, अब तो आप गुनगुन को और ज़्यादा गले लगाओगी, चाहे वो खाना बना के दे या नहीं दे। खाना जब वो बोली तो आपने क्या बोला, अरे रहन दे, खाना वाना हम लोग मिल के देख लेंगे। ये चीज़ तो राधिका को कभी नहीं बोली कि खाना वाना हम मिल के देख लेंगे। तब तो आराम से बैठी हैं, एसी का हवा खा रही हैं या ऐसे ही बैठी हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं आराम से आराम करूं, और तुम घर की बहू हो, तुम खाना बना बना के लाओ, चाहे कच्ची रोटी हो चाहे जली रोटी हो, जो भी हो तुम ही मुझे बना के दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, दो आँखों से दो नज़ारे देख रही हो, एक नज़र से दोनों को नहीं देख सकती क्यों? गुनगुन तो पहले बैग पैक कर दी, आप देखो पैर दबा दबा दे, कहीं बाद में समर से शादी करवा दोगी तो कहीं गला ना दबा दे। मुझे तो यही लग रहा, तुम्हारे जैसे औरत का गला ही दबाना चाहिए, जो राधिका को यूज़ करके राधिका को बोल रही ठीक है कोर्ट कचहरी में ले जाएगी तो हम भी देख लेंगे, और यहाँ पे गुनगुन को गले लगा रही हूँ। और समर ऐसा नीच आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा, बोल रहे हो कि लोग मुझे बोल रहे हैं, वीडियो बना बना के बोल रहे हैं, कमेंट करके बोल रहे हैं कि बच्चा फिर से प्लानिंग कर रहा है, तो हाँ बोलेंगे, हम तो बोलेंगे ही, क्योंकि तुम जब राधिका के नहीं हो सके, राधिका से शादी किए क्यों? समझौता करना था, समझौता के लिए शादी किए थे, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद किए तुम्हारी मम्मी के चक्कर में, तुम्हारी मम्मी डिप्रेशन से बेटा को निकालो, डिप्रेशन से बेटा को निकालो करके उससे शादी करवा दी, अब क्या हुआ, बेचारी उसको तो लाइफ बर्बाद कर दी है, उसे तो बहुत आगे तुमको डिवोर्स दे देना चाहिए, तो वो इतने दिन पास निभाई क्यों, मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। पर एनीवेज फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोग सब पूरे एक पैर में खड़े हो गए हैं कि राधिका नहीं चाहिए, और राधिका अपना असली रूप दिखाएगी तो हम भी अपना असली रूप दिखाएंगे कोर्ट तक, और यहाँ पे गुनगुन मैडम हर चीज़ का मौके का फ़ायदा वही उठाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और अभी तो सब कुछ ठीक है, ध्रुव अगर जेल से निकला तब क्या होगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो जिसको मैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।